ब्रेड मलाई रोल बना के दिखाएंगे। 50 ग्राम तक मिल्क पाउडर ले लिया है, लेकिन गैस को अभी तक हमने ऑन नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे अभी 300 ml तक मिल्क यहाँ पे दे दिया है। अभी हम लोग इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, लेकिन गैस को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि गैस को अभी ऑन कर देंगे तो इसमें लंप आ जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे पहले। इसको पूरा एकदम स्मूथ कर लेंगे। ऐसे अच्छा से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को हम लोगों को मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, और इसको अच्छी तरीक़े से मिक्स करना है और मावा तैयार करना है। अभी हम लोग इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरीक़े से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ये होने लगा है, अभी इसको अच्छी तरीक़े से हमको मिक्स करना है और कंटिन्यूसली हमको ये चलाना है। अभी फ्लेम को थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है, अभी अच्छी तरीक़े से इसको चलाना है। देखिए ये मिक्सचर अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, हमको और थोड़ा मिक्स करना है, बट आपको ये देखना है कि ये नीचे ना लग जाए। थोड़ा और गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें हम लोग शुगर ऐड कर देंगे। अभी इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा आमंड का क्रश आमंड दे देंगे और थोड़ा सी इलायची पाउडर, पाउडर नहीं है, हमने यहाँ पे इलायची को क्रश करके दिया है। गाइस इसको हम अच्छा से मिक्स करके मावा रेडी कर लिया है। थोड़ा सा और चलाने के बाद ही ये मावा पूरा रेडी हो जाएगा। ख्याल रखना आप लोग, जब ये पूरा पैन से उठ जाएगा मतलब आपका मावा पूरा रेडी हो गया है। अभी हम इसको उठा लेंगे एक ठो बॉल में और गैस को बंद कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 4 ब्रेड लिया है, उसको हम लोग चारों तरफ से इसे काट देंगे। तो चलिए गाइस ऐसे हम लोग पहले ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। ऐसा हमने ब्रेड को रेडी कर लिया है। अभी इसमें हम लोग जो मावा तैयार किया है उसको प्लेस करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लिया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अभी इसको हम लोग ऐसे बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। हम लोग ऐसे मावा को रोल कर लिया है, थोड़ा सा हाथ में घी लिया है, उसके बाद मावा को थोड़ा सा रोल कर लिया है और इसको अभी यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी लेके हम इसको टाइट से रोल करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट करके हम लोग इसको रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हमको और रोल तैयार करना है।
अभी हम लोग यहाँ पे 400 ml मिल्क ले लेंगे। गैस को ऑन कर देंगे। और इसको अच्छा से हम लोग हीट करेंगे और गाढ़ा करना है हमको इस मिल्क को। अभी हमको इसको कंटिन्यूअसली चलाना है और हम लोग मलाई तैयार करेंगे। हम लोग इसमें से थोड़ा सा मिल्क साइड में ले लेता है और इसमें हम लोग थोड़ा सा केसर या थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि ये हम लोग ऊपर से देंगे तो थोड़ा सा कलर बढ़िया आएगा। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए। आप लोग इसमें मिल्क का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तो जल्दी से मलाई रेडी हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्योर मिल्क ही लिया है। इसको हम लोग चलाते चलाते इसको मलाई कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा इलायची ऐड करेंगे। इलायची को ऐसे क्रश कर लिया है और थोड़ा सा आमंड का इसे मिक्सचर जस्ट क्रश आमंड थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको अच्छा से चलाएंगे और इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। फ्लेम को भी हम लोग थोड़ा सा लो ही कर देंगे। गाइस हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क लिया है और थोड़ा सा हम लोग इसमें कलर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग 1/2 tablespoon शुगर ऐड करेंगे क्योंकि पहले हम लोग मावा में अच्छा से शुगर दिया है तो वो मिक्स हो गया है और वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा भी है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कम मीठा करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा गुलाब का पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो केवड़ा जल भी दे सकते हैं। अभी मलाई ऑलमोस्ट हम लोगों का रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और चलाएंगे उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। गाइस अभी मलाई हमारा रेडी हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है हमको और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इसको मीडियम सा थिकनेस देना है। देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और इसको ठंडा करेंगे तो और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। गाइस एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसको बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करने देंगे, उसके बाद हम लोग जो ब्रेड रोल बनाए हैं उसके ऊपर ये दे देंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर से मलाई को दे देंगे ऐसे। अभी हम लोग थोड़ा सा जो कलर मिक्स करके तैयार किया था उसको थोड़ा सा ऊपर से दे देंगे तो इसमें कलर बहुत बढ़िया आएगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा क्रश आमंड हम लोग इसके ऊपर से दे देंगे, दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा और मुंह में भी पड़ेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ऊपर से हम लोग एक चेरी दे देंगे। गाइस हम लोगों का ब्रेड मलाई रोल रेडी हो गया है। घर में ऐसे इजीली बना लीजिए ब्रेड मलाई रोल और बच्चे लोगों को बड़े लोगों को खिलाइए और बोलिए हमको कैसा लगता है। कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं पहले बंगाली में कर रही थी लेकिन मेरे बहुत सारा दोस्त रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा हिंदी में करने के लिए, इसलिए मैं अभी 2-3 वीडियो हिंदी में कर रही हूँ।